समीर, अब महाराष्ट्र बता दीजिए जरा, ये जो उद्धव ठाकरे ने टिकट की घोषणा कर दी, सीट शेयरिंग तय नहीं है और बातचीत कई दौर की हो चुकी, मीटिंग्स लगातार चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उठते हैं और अचानक एक ऐसी सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर देते हैं जिस पर अभी पेंडेंसी है, जिस पर सहमति नहीं है गठबंधन के बीच। ये कैसा संदेश महाराष्ट्र के लिए इंडिया गठबंधन में? देखिए, पिछले एक महीने से उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नाना पटोले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र आव्वाड़ और सुप्रिया सुले लगातार बैठक कर रहे थे और उस बैठक करने के बाद भी सीटों को लेकर इनके भी सहमति नहीं बन पा रही। मोटा मोटी 48 सीटों में से 40 सीटों पर सहमत हो चुके थे, 8 से 10 सीटें ऐसा था जिसके ऊपर इनके भी सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसके अंदर बंबई की 2-3 सीटें थी, कुछ विदर्भ की सीटें थी और कुछ मराठवाड़ा की सीटें थी। मजाक में अभी 2 दिन पहले ही नाना पटोले ने यह बात का जिक्र किया था कि कब तक बैठक करके हम वड़ा पाव और मिसल पाव खाते रहेंगे, सीटें फाइनल नहीं हो रही और वड़ा पाव खाते रहते हम बैठक के अंदर। तो मुझे लग रहा है ये परेशानी सबके साथ थी कि कांग्रेस भी चाहती थी कि सीटें फाइनल हो, उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं, शरद पवार भी चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 48 सीटें जीतने से रोकना है और हमें अपना अस्तित्व बना के रखना है महाराष्ट्र के अंदर, वो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, शरद पवार के लिए भी जरूरी है और कांग्रेस के लिए भी जरूरी है। तो इनके बीच गठबंधन सबसे पहले होना था और सबसे पहले सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं के बीच में होना चाहिए था। नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर बातें, ये जो उद्धव ठाकरे को संजय निरुपम अभी जबरदस्त तरीके से ट्विटर पर एक्स पर घेरे हुए हैं, घोटालेबाज को टिकट दे दिया, खिचड़ी स्कैम का आरोपी है, कांग्रेस इसके लिए प्रचार करेगी क्या, तो ये बंगाल वाली स्थिति महाराष्ट्र में तो नहीं दिखेगी? नहीं नहीं, बंगाल और महाराष्ट्र की आप राजनीति देखोगे तो बहुत अलग राजनीति है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सत्ता में है, पूर्ण बहुमत की सरकार है और ममता बनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी ममता के सामने बहुत कमजोर है बंगाल के अंदर। महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रहे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का एक लंबे समय तक गठबंधन रहा है और आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट टूट चुका है, एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना चली गई है, अजित पवार के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस चली गई है और कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चव्हाण जो पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ के चले गए हैं, इसके अंदर बाबा सिद्दीकी चले जाते हैं, मिलिंद देवड़ा चले जाते हैं, तो कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा वर्ग है जो पार्टी छोड़ के चला गया है। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा विधायक उसके है, सबसे ज्यादा सांसद उसके पास है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे थे उनके भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। और ये इंडिया गठबंधन सीट दी है, ये बीजेपी का तो एक विनिंग एज दिखता है महाराष्ट्र में, अगर दिखता है तो ये इंडिया गठबंधन में भी जो हो सकता था उसमें भी जो सिर्फ उटव्वल है, ये और डेंट पहुंचाने की स्थिति है क्या? नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति अलग है। अगर एकनाथ शिंदे और अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं भी आते तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर महाराष्ट्र की 48 में से 36 से 37 सीटें जीतने की स्थिति के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे और अजित पवार की लोकसभा के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लोकसभा में एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बीजेपी की जरूरत है अपनी सीटें जितवाने के लिए। एकनाथ शिंदे अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को कल्याण डोंबिवली से बिना भारतीय जनता पार्टी की मदद से चुनाव नहीं जितवा सकते। अजित पवार अपनी पत्नी सुनीता पवार को या बेटे पार्थ पवार को अगर बारामती से खड़ा करते हैं तो बिना भारतीय जनता पार्टी के संगठन के वहां से वो सीट नहीं जितवा सकते। भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस गठबंधन में इसलिए रहना चाहती है इन दोनों को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि अगर ये दोनों आ जाएंगे तो 48 की 48 सीटें जीतने का जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को तोड़ा, जिसके लिए अजित पवार को तोड़ा, जो 48 सीटें जीतने का टारगेट था और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस उद्धव ठाकरे की पार्टी में और शरद पवार की पार्टी में तोड़फोड़ की है, वह टारगेट अचीव करना। और अभी अमित शाह 2 दिन पहले बंबई में थे, अकोला में उन्होंने बैठक की, अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कहा है एकनाथ शिंदे से अजित पवार से कि अब कोई कारण नहीं है कि अब 48 की 48 सीटें नहीं जीत सकते, मुझे बारामती भी सीट चाहिए हर हाल में, अगर अजित पवार आप नहीं जीत सकते तो मुझे बता दीजिए, हम देख लेंगे हमें क्या करना है बारामती में। तो ये बहुत स्पष्ट है अमित शाह का तो कि 48 सीटें जीतना है। समीर, तो इंडिया गठबंधन जहां खड़ा है वहां से उसकी लड़ाई कैसी नजर आती है? 48 के 48 का यहां पर हुंकार है और इधर जो जीत भी सकते हैं उसमें भी आपस में उद्धव ठाकरे कांग्रेस के बीच ये सब न सेटिंग हो रही है न गेटिंग हो रही है, ये इंडिया की लड़ाई कैसी है महाराष्ट्र में? फिर यही सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि क्या जमीनी स्तर पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस जिंदगी भर आपस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, कभी भी इनके बीच जमीनी स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ था।
तो ऐसी स्थिति में अब ये पहला चुनाव है जिसके अंदर उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ है, कांग्रेस साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने जा रहा है। तो उद्धव ठाकरे इस बात को जानते हैं कि ऊपर तो गठबंधन कर लेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर जो 40 साल से कांग्रेस से और राष्ट्रवादी कांग्रेस से 99 से लड़ते रहे, उनके कार्यकर्ता शिवसैनिक लड़ते रहे, वो कैसे शिवसैनिक के लिए शिवसैनिक कांग्रेस के लिए वोट मांगेगा या शरद पवार के लिए वोट मांगेगा? और यही समस्या उद्धव ठाकरे इसीलिए उद्धव ठाकरे कभी नितिन गडकरी को ऑफर दे जो देते हैं शिवसैनिक वोटर है वो कांग्रेस के लिए वोट नहीं और करेगा, कभी कहते और हैं कांग्रेस का नरेंद्र जो मोदी वोटर को है भी वो कहा उद्धव समीर के लिए वोट नहीं करेगा। एब्सोल्यूट। और इसीलिए नरेंद्र मोदी को भी कहा कि भाई हम आपके दुश्मन थोड़ी हैं, हम तो चुनाव लड़े थे आपके साथ 2019 में, कभी नितिन गडकरी को ऑफर दे रहे हैं,